ये बिहार के चंपारण का हाल है। जहां तक नजर डालिए पानी ही पानी। गंडक नदी में आए उफान की वजह से गांव के गांव इसी तरह जलमग्न है। अरेराज और संग्रामपुर ब्लॉक के दर्जनों गांव पानी से लबालब हो गए हैं। गांव डूब गए हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, स्कूल डूब गए हैं। मिश्रा टोली का ये प्राथमिक विद्यालय तो बस एक नजीर है, पूरा इलाका इसी तरह जलमग्न है। किसानों पर तो दोहरी मार पड़ी है, उनकी फसल भी बाढ़ में डूब चुकी है। हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड के मिश्र टोला में, और ये सामने हमारे देख रहे हैं ये यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है जो कि गंडक के पानी में पूरी तरह से समाया हुआ है। ये हाल आपको इधर तमाम इस तरह के दृश्य आपको दिखाई देंगे। स्कूल काफ़ी दिनों से बंद था वैसे कोरोना की वजह से, लेकिन अभी पानी आ जाने के कारण इसमें जो बेंच हैं जो बच्चों के बैठने के लिए वो भी तैर रहे हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से गंडक नदी में तबाही वाला उफान आ गया है। अरेराज ब्लॉक के गोविंदगंज में गंडक नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। संग्रामपुर के इजरा गांव की हालत तो और भी दयनीय है, गांव पानी में डूबे हुए हैं, गांव के लोग सड़कों पर आ गए हैं। सड़क किनारे कहीं छप्पर तो कहीं तिरपाल लगाकर किसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि त्रिपाठी ने इस इलाके के कई गांव का दौरा करके हालात का जायजा लिया। किसान की बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मक्का धान और ये आपको ईख सब बर्बाद हो गया है किसान। ये बेतिया का हाल है। यहाँ गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी में आए उफान के चलते तबाही मच गई है। बेतिया के कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सैकड़ों एकड़ खेतों में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। कई सड़कों पर 3 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। बाढ़ और बारिश का पानी गोपालपुर थाना परिसर में पहुंच गया है, जिसके चलते थाना जलमग्न हो गया है। नदी का पानी थाने के भीतर से मेन रोड की तरफ बह रहा है। थाने में कमर भर पानी भरा हुआ है। थाना परिसर में बने पुलिस कर्मियों के आवास में भी पानी घुस गया है। हम मौजूद हैं गोविंदगंज में, और गोविंदगंज में आप देख रहे हैं पीछे का नजारा, सारे गांव में पानी घुस गया है। गंडक नदी का जो 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था वाल्मीकि नगर बराज से, वो पानी अब पहुंचने लगा है यहाँ पर। हमारे साथ गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी हैं। विधायक जी, ये बताइए कि कितना गंभीर है बाढ़ का इस समय? देखिए, बाढ़ तो जो इसके पिछले साल हम लोग झेले थे उतना गंभीर अभी नहीं है। पानी आया है और बाढ़ चूंकि हर साल आता है उसको हम लोग झेलते हैं, लेकिन इस बार अभी हम लोग बाढ़ जो पहले दिन आया है तो हम लोग बुझा रहे हैं कि पानी आया है, लेकिन इसके बाद अगर 2-4 लाख पानी छोड़ देगा तब हमारा यहाँ मामला गंभीर हो जाएगा। गंडक नदी के उफान का असर गोपालगंज के निचले हिस्सों में 50 से ज्यादा गाँव पर पड़ा है। गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, फसलें डूब गई है। गांव वाले ट्रैक्टरों पर जरूरी सामान लादकर पलायन करने पर मजबूर हो गए। कुछ गांव वाले नाव के जरिए गांव से बाहर जा रहे हैं। में जो है सारा पानी भर रहा है, अब उसके चलते हम लोग यहां से खाली करके जा रहे हैं, माल जाल सब लेके हम लोग जा रहे हैं। अब जाके इधर रोड पे ही रहेंगे, अब कहां जाएंगे। पिछली बार भी बाढ़ आया था, लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हुई। तो गांव में पानी घुस गया? गांव में पानी पूरा घुस गया। अच्छा, कितने परिवार हैं इधर? परिवार अभी सैकड़ों परिवार है, अभी वही फंसे हुए हैं। प्रशासन की तरफ कुछ मदद मिल? प्रशासन के देखिए अभी कोई मदद तो मिल नहीं रही है, अभी प्रशासन के पास क्या पता सूचना है कि नहीं है। गंडक नदी में बाढ़ को देखते हुए SDRF की एक बटालियन गोपालगंज में पहुंच गई है। DM और SP ने भी गोपालगंज में बाढ़ का जायजा लिया। गोपालगंज में सुनील कुमार तिवारी के साथ सुजीत कुमार झा, पूर्वी चंपारण आज तक।